बंदा इस साइड से निकालेगा, खोखली हुई पड़ी है, खोखली हुई पड़ी है। वाओ कितना प्यारा लग रहा है ना ये, ऑसम लग रहा है भाई। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ आपने ऐसा वाटरफॉल अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। मैं बताया पूरा गीला हो चुका हूँ मैं, इससे पहले मैंने एक वाटरफॉल। तो भी लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम चक्राता पहुंच गए थे और इतने टायर्ड हो गए थे कि बाकी कुछ नहीं कर पाए। तो अब हम चल रहे हैं आपको एक और वाटरफॉल दिखाने के लिए, जो कि मेन वाटरफॉल है। वो तो जो रास्ते में हमें मिले वो बोनस थे वाटरफॉल एक्चुअली। तो अब हम जा रहे हैं मेन वाटरफॉल की तरफ, इसका नाम है टाइगर वाटरफॉल। यू नो नाम से मुझे बड़ा स्कैरी लग रहा है, कहीं वहाँ टाइगर्स ना हो, कहीं कुछ टाइगर से रिलेटेड कुछ ना हो। तो भाई वो तो वहाँ जाकर ही पता पड़ेगा, और इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है अंदर से कि जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा भाई। भाई फॉल देखने जा रहे हैं, रास्ते में फॉल मिल रहे हैं हमको। हैं इधर देखो, रिवर क्रॉसिंग है ये तो तरीके की है, फॉल क्रॉसिंग, फॉल क्रॉसिंग, वॉटरफॉल्स के शहर में आ गए हम। ये शहर है वॉटरफॉल्स का। अरे बाप, ये स्नोफॉल तो नहीं होता होगा यहाँ पे, वॉटरफॉल जरूर होते हैं यहाँ पे। स्नोफॉल नहीं होता, मुझे तो लगता नहीं यहाँ होता होगा स्नोफॉल। इसमें से कुछ लोग तो बस ऐसा लगा लो कि कहते हैं ना के बराबर ही लग रहे हैं इस पे। वाओ कितना प्यारा लग रहा है ना ये, ऑसम लग रहा है एकदम, सच में ऐसा लग रहा है एकदम सॉफ्ट सा कि जाओ जाके टच करूं उसको। जा सकते थे वहाँ, बंदा इस साइड से निकालेगा, खोखली हुई पड़ी है, खोखली हुई पड़ी है, फेक रोड है, कोई भरोसा नहीं। नहीं नहीं कोई भरोसा नहीं है, ये सब पानी ने ना बह बह के सारा ऐसा कर दिया है सब। स्लिपरी सा हो रहा है तो बिल्कुल, मेरा मन कर रहा है यहीं से वापस चले, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा सुनसान हो गया है। सुनसान हो गया बिल्कुल, फिर मैं वापस भी आना है, अंधेरा होता आ रहा है बिल्कुल, और क्योंकि बादल भी हो रहे हैं। ऐसे कैसे हो रहा है, इवन लोकल्स भी नहीं है। मुझे लगता है लोकल्स को भी ना माइग्रेट कर दिया है यहाँ से। ये देखो पत्थर उत्थर पड़े हैं। हाँ स्ट्रेंज ना, लोकल्स का तो मूवमेंट होना चाहिए, होता रहता है। हाँ यार हम पता नहीं क्या बिल्कुल सुनसान जंगल में आ गए क्या, बट रोड ठीक ठाक बनी हुई है। रुकने का जगह है क्या, होटल ही सर इधर। अच्छा टाइगर फॉल पे पूरे में होटल है सर, यही होटल है आगे। पर यहाँ पे इतना सुनसान क्यों है, लोग आते नहीं है यहाँ पे? नहीं आते हैं, आजकल थोड़ा रश कम हो गया टूरिस्ट लोगों का ना, क्योंकि बरसात होगी ना, वहाँ नहाने का जो सिस्टम था ना गर्मियों का जी, वो खत्म हो जाता है, झरना जो है पानी को ज्यादा हो जाता है सर। इस वजह से जो ना आप थोड़े कम आते हैं, ऐसे मजे आजकल है देखने के। अच्छा टाइगर फॉल का मजा आजकल है, क्योंकि फुल फॉल आता है ना ऊपर से पूरा गिर रहा है। चलो देखते हैं, थैंक यू भैया। लाल वाला इसके ऊपर का जो ये है ना, ये कार्ड भी इनका छानी पे कार्ड इनके ना। अच्छा लाल होटल के ऊपर सीधा जस्ट है, तो ये वही है ना अपना चक्राता ही है ना ये वाला, ये सब चक्राता तो है सर। नहीं तो ये वाली जगह का क्या नाम है जहाँ पर आप बता रहे हो? ये यहाँ तो हमारा अपना ही गाँव घर की अच्छा। जगह ना तो ये ऐसे जाएंगे तो उधर से ही गुजरेंगे ना, हम अपने आपको बढ़िया मना के देंगे ना अपने। अच्छा अच्छा तो वापस आते वक्त मैं देखता हूँ है ना सर, जो ये लाल चक्र वाला होटल है ना, इसके ऊपर जो नया बन रहा है ना। हाँ जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ब्लू कलर भी है वहाँ पे ऊपर साइड, वही रुकना दीवार पे लगा है ना। क्या नाम है वहाँ? आप गाड़ी खड़ी कर देना, लोंडे अपने आप आ जाएंगे, वही है सब कुकिंग वगैरह उनका सिखवा काम है ना सर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है थैंक यू भैया। चक्राता 17 किलोमीटर, फोटोज तो दिखा रखी है यहाँ पर।
ओके 3 किलोमीटर्स। पार्किंग पार्किंग यही है ना? पार्किंग सर गाड़ी नीचे जाती है। कहाँ तक चली जाएगी वो गाड़ी? टाइगर फॉल से 200-300 मीटर पीछे गई गाड़ी। अच्छा तो सेफ है रास्ता जाने के लिए गाड़ी? अच्छा अभी गई हुई है कुछ गाड़ियाँ? अभी मैम गई थी, आप गए लोग। अच्छा एक दो गाड़ी गई थी। तो टिकट कितने का है? 30 रुपए पर पर्सन। अगर पैदल का ट्रे करना है आपने तो यहाँ से 1 किलोमीटर का है। क्या करना है, इतना टाइम नहीं है गाड़ी। हाँ गाड़ी से चलते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन मिले अपने को। एक तो ये था कि यहाँ गाड़ी खड़ी कर दो, नीचे 1 किलोमीटर का आप ट्रिक करके जा सकते हो। बट हम क्योंकि थोड़ा लेट हो रहे हैं तो उन्होंने बोला दूसरा ऑप्शन ये है कि आप गाड़ी से भी जा सकते हो, 500 मीटर दूर तक गाड़ी जाती है। तो हम गाड़ी लेके जा रहे हैं भाई। टिकट लगा है 3, 2 बड़ों का 30 रुपये और छोटों का 20। देखने जा रहे हैं वाटरफॉल देखते हुए। ये अच्छा था, वाटरफॉल देखते हुए वाटरफॉल देखने जा रहे हैं। वाटरफॉल बिग डैडी ऑफ एसीजीज में हम बैठ के जा रहे हैं बिग डैडी ऑफ वाटरफॉल्स देखने। अरे बाबा कुंज कहां से लाते हो, कहां से आते हैं ये लोग। फॉल के पास टाइगर फॉल ये लिख रहा आगे एरो। नहा सकते हैं लेकिन अभी इतना पानी गिर रहा है वहाँ पे, वहाँ तक तो पहुँचना बहुत मुश्किल है, नहाना छोड़ो। अभी इस वक्त पानी ज्यादा गिर रहा है ना, अदरवाइज जो समर होता है ना उसमें वहाँ जाके नहा सकते हैं। कुछ होल्ड हैंड भाई, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ आपने ऐसा वाटरफॉल अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। मैं बता रहा हूँ इतना जबरदस्त सीन है ना भाई, मैं पूरा गीला हो चुका हूँ, पूरा गीला हो चुका हूँ मैं। इससे पहले मैंने एक वाटरफॉल देखा था शिलोंग में लेकिन वो इतना जबरदस्त नहीं था यार। ये बारिश के मौसम में फुल फ्लैश चल रहा है वो। कोशिश कर रहा हूँ उसके पास जाने की क्योंकि बहुत तेज प्रेशर है, उसकी वजह से ना पूरी पानी की छींटे आ रही हैं। देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। ये देखो भाई पानी आ जा रहा है कैमरे के ऊपर। पूरा भीग गया हूँ यार, पूरा भीग गया। पूरा भीग गया यार। जैसे ही इस पॉइंट से आगे जाते हैं पानी की छींटे आने लगती है और जितना नजदीक जाते हैं उतनी ज्यादा छींटे आती हैं भाई। वीडियो नॉर्मल मोड पे थी, अल्ट्रा वाइड पे है, थोड़े पिक्सल फटेंगे लेकिन मैं सोच रहा हूँ शायद अच्छा व्यू आएगा, बना के देखते हैं कैसा आता है। बीच बीच में कैमरा साफ करना पड़ रहा है।
ताकि रिकॉर्डिंग होती रहे। वाह थे वाटरफॉल के नज़ारे, बहुत ही जबरदस्त व्यू है, बहुत औसम लगा। वो वंस इन अ लाइफ टाइम क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है यार ये, मतलब एक बार तो जरूर आना चाहिए, वो भी बारिश के मौसम में जब ये वाटरफॉल इसी तरीके से गिर रहा हो पूरे पावर के साथ। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और आगे के सफ़र के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।